हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो है आपका इसमें आपका जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है इसमें ए और जो इसकी हाइट है उसमें क्या रिलेशनशिप है, ये सारे पॉइंट्स हमारे को डिस्कस करने हैं। इसमें आपके आईआईटी जेई में क्वेश्चंस भी आए हैं, तो सबसे पहले आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लगना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लोग ये पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपके जो एटम्स हमने छोटे छोटे बनाए हैं एक्चुअल में कुछ लोग टच कर रहे होते हैं इस मॉडल की तरह, तो आपका जो है अब इसमें तो इसी तरह पॉसिबिलिटी है। और इसमें हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, एक ट्राइंगल तो जैसे आप मान लीजिए तीन बॉल्स हैं आपकी, ठीक है, इनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है, जिसका ये सीएम जो है आपका एंगल बाइसेक्टर या मीडियन है आपकी। और एक आप मान लीजिए कि भाई आपने ये तीन एटम्स, जैसे मान लो मैंने जिन पे मेरी ये उंगली है तीन, ठीक है, ये है चौथा, ये है, ठीक है, इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इनके हम सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपका ये ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो इसमें यदि जो एच हाइट है तो ये आपकी एच सी बाई टू है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग आपका बाकी सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो आप पहले इनकी क्लियर पिक्चर को, ये एनिमेशन और इमेजेस को सबको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे फिर डिस्कस कर रहे हैं। और इसको आपका इस तरीके से मैंने एक छोटे मॉडल में प्रपोज कर दिया है, इन तीनों ट्राइंगल्स, इन तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर ये वाला ट्राइंगल, और इन तीनों को सेंटर को ज्वाइन करके फिर इसका सेंटर उससे मिला करने पर ये आपकी फिगर बनती है, ठीक है। और इसकी जो हाइट का डबल है वो आपकी इसकी हेक्सागोनल जो यूनिट है आपकी एचसीपी यूनिट, इसकी आपकी एक एच यू सी की वैल्यू बनती है हाइट।
तो सबसे पहले जो है हमारे को मतलब इसका वॉल्यूम यूनिट सर्कल निकालना है. वॉल्यूम यूनिट सर्कल निकालने के लिए आपका जो बेस है वो ये है और हेक्सागोनल बेस को आप ये आपके छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं. ठीक है, और ये छह इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी जो एज है वो ए है और ये ए इज इक्वल टू 2r स्टार्टिंग में, क्योंकि ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ठीक, और इसी तरीके से जो है आपका ये ए एटम और ये जो सी एटम है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो है ए इज इक्वल टू 2r वाली कंडीशन है और ये आपकी सी बाई 2 वाली कंडीशन है. तो इसका जो एरिया ऑफ बेस होगा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका आपका 3/√4 इंटू ए स्क्वायर होता है. अभी 6 है तो इसलिए हमने इसमें 6 की मल्टीप्लाई, तो ये आपका बेस का एरिया. अब हमारे को सी और जो है आपका इसमें रिलेशन देखना है. तो आप जानते हैं कि भाई एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. तो ये आपको हाइट जो है इसकी वैल्यू निकालना. हाँ, तो अब जो आपका हाइट है उसके हमें ये सी बाई टू थी टोटल हाइट सी का, तो इसमें रिलेशन समझना है. ये साइड आपकी 2a है, a है सॉरी 2r के इक्वल है, और जो है आपका ये जो वैल्यू है आपकी सी डी की वो क्या होगी. देखिए सॉरी ये d है आपका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो आपका जो है ये a है और ये a by 2 है, सी एन इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ये a by 2 का स्क्वायर इंटू सी एन स्क्वायर. सी एन इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका a रूट 3/4. और ये आपकी जो दो मीडियन है या इक्विलेटर ट्राइंगल में बाई सेक्टर है, तो इसमें जो आपकी सी बी ओवर बी एन की रेशियो जो होती है वो 2:1 होती है. ठीक है, और आप जानते हैं सी बी प्लस बी एम इज इक्वल टू सी एम. ठीक है, तो आपकी जो है सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बी इज इक्वल टू ए रूट सॉरी ये रूट 3/2 आएगा. तो इसमें आप जो है इसकी मल्टीप्लाई करें 2/√3 की, तो आपका रूट 3 से ये रूट सॉरी 3 था करके रूट 3 आ जाएगा. फिर से टू कैंसिल, दैट इज इक्वल टू ए बाई रूट 3 आपकी आ जाएगी वैल्यू इसकी. तो अब इस ट्राइंगल में जो सी बी की वैल्यू है आपकी ए रूट 3 है और ये 90 का एंगल है भी, तो आपका ए रूट 3 प्लस सी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है. ठीक है, तो इसको आप जो है ओपन कर लीजिए, लिखा जाएगा ए स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई आपका सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर. तो इसमें से माइनस करेंगे सी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 2a² / 3. तो सी इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका स्क्वायर रूट 1. ठीक है, ए बाई रूट 3. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. तो सी बाई ए इज इक्वल टू रूट 8/3 हो जाता. यही एक बेसिक चीज है जो इस कंसेप्ट में आपको समझनी है. इसी से आप जो है आगे चीजों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जो आपका इसका वॉल्यूम है उसमें बेस का एरिया हमें निकालना 3/4 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, और हाइट आपकी एक ही टर्म से निकाल लें तो 8/√3 ए. ठीक है, और ए की वैल्यू भी आप 2r पुट कर दें से ये 4 कैंसिल हो जाएगा
जो है आपका क्या बचेगा, ठीक है, और ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है 6 12 24 रूट टू आर की फुल की, ठीक है। इस फार्मूले पे बेस्ड आपका आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें उन्होंने एचसीबी पैकिंग में आपका का जो है वॉल्यूम पूछा था, तो आपका जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है, आईआईटी में 2008 में आया था। तो अब जो है इसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ एटम देखेंगे, पहले कि आपके एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, तो आप पहले एटम्स को काउंट कर लीजिए कि टोटल कितने हैं, तो आप देखेंगे 6 ये है, 6 ये है, 12 हो गए, और 1 और 8 2 14 हो गए, और 3 7। लेकिन क्या ये पूरे के पूरे एटम्स आपके यूनिट सेल में है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, तभी आप जो है नंबर ऑफ आइटम्स जो है यूनिट सेल में निकाल। तो ये जो कॉर्नर के आइटम है इनका 1/6 पोर्शन हम लोग यूज करते हैं, कैसे, देखिए आपका मान लीजिए भाई ये आइटम है आपका, मान लो कॉर्नर का, ठीक है, ये आपका 3 यूनिट सेल में आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है 3 ऊपर होंगी और 3 नीचे होंगी, तो ये आइटम आपका 6 यूनिट सेल में आ रहा है, इसलिए हम इसका 1/6 लेते हैं। ये आपका 2 यूनिट सेल में आपका यूज हो रहा है, इसलिए इसका 1/2, ये पूरे में पूरे यूज हो रहे हैं, इसलिए इनका हम पूरा ले लेते हैं। तो आपके ऐसे कॉर्नर पर 12 आइटम्स हैं, प्लस 2 × 1/2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 6 आर। तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ जेड है, नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू 6। और यदि इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये होता है कि भाई कोई भी जो आइटम है उसके नेबरिंग आइटम्स कितने हैं जिनको टच कर रहा है, तो ये 6 × टच कर रहा होता है, 3 ये ऊपर और 3 ये नीचे। ये आपको इस मॉडल से भी आपको एक्सप्लेन होगा, मान लीजिए आप इस आइटम को कंसीडर करते हैं, इस वाले को उसको मेरी समझ नहीं है, ठीक है, तो ये 6 इसके टच में, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में आपकी 12 है। अब इसके बाद जो है हम पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, तो अब जो है हम इस यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो अब आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन, इसमें जो आपके एटम्स हैं वो कितने हैं, 6 है, और एक का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 24√2r³, ठीक है। तो इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.74, यानी कि 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, तो आपके एम्प्टी स्पेस कितनी जाएगी 26% स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है, दैट इज योर आंसर, दैट्स ऑल।